कॉल पर आप लोग यहाँ आए और मुझे मुझे इस पर फख्र है कि आप सब आप तमाम जमात पाकिस्तानी तमाम जमात के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथी भी मौजूद हैं। इसका जो बेसिकली हम लोगों की यहाँ बैठने का सबसे वजह सिर्फ एक ही है कि अभी मैंने कहा है कि हम लोग रहते तो यहाँ है लेकिन दिल हमारे पाकिस्तान में। तो मारूफ गुलों से भरपूर शख्सियत गुलबहार से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आए, इकट्ठे हुए हैं। ये नेटो ने ये कर दिया, ये इससे पहले भी हमले हो रहे हैं और हमारे आंखें पास। तो जब भी कोई हमें तकलीफ होती है हम दो दिन के लिए तो कुछ करते हैं, अल्लाह खुला आपस में करते हैं, हमारा मीडिया हमने जाया कर रहा था, उसके बाद फिर कुछ नहीं बनता। तो हमें इनके साथ जहाँ हम भी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन है, ये भी हमारा मुल्क है, हमारे बिजनेस से आए, हम जहाँ रह रहे हैं हमें इनके साथ दोस्ती बराबरी की करनी चाहिए। कुछ दोस्त कह रहे हैं भीख मांग रहे ये वो, चलो जो भी है, हमारी दोस्ती इनके साथ होनी चाहिए बराबरी की, और बराबरी की जब हो तो तभी आप सीधी बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर कुछ भी बात भी नहीं ना होती। ये ऐसे कर ले वो हो गया, ये माफी मांग लेगी, ये तो डील की बात सारी कर देगी, वो भी अभी तक वो नहीं कर रहे। तो इससे बेहतर भी जो ये कर रहे हैं और या मजीद अल्लाह ना करे ऐसी को खबर हो तो फिर हम इकट्ठा होंगे। हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान को कोई जरूरत पड़ती है, अल्लाह ना करे को आफत आती है, हमारे पाकिस्तानी मौके पे भी लोधी साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ, उन्होंने ये कट किया, सभी लोग आए और हम सब लोग इसी बात पे हैं कि अपने पाकिस्तान की बका के लिए कुछ चाहिए हो तो अल्लाह करे, इसकी उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ ठीक। लोधी साहब का फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।